Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. Psychological disorders को continue करते हुए आज जो topic explain करने जा रही हूँ उसका नाम है schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. देखो schizophrenia एक psychotic problem है. ये एक psychotic disorder है, mental illness है. ये एक मानसिक बीमारी है. इसमें क्या होता है, person का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है. देखो इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान को ऐसी आवाजें आने लग जाती है, ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होती, जिनका कोई एग्जिस्टेंसी नहीं होता, लेकिन वो पर्सन उन चीजों को सच मानने लग जाता है, वो भ्रम में जीना शुरू कर देता है. अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसे समझाता है कि ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, इन चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो उसे अपने अगेंस्ट समझने लग जाता है. वो रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं कर पाता. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम की वजह से उसका पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है. तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे, डिटीरियोरेट पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग ड्यू टू स्ट्रेंज परसेप्शन. देखो यहाँ मेन रोल है परसेप्शन का. परसेप्शन में क्या होता है कि उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जो एनवायरनमेंट में होती नहीं है, जो एक्चुअली प्रेजेंट है ही नहीं. तो यहाँ जो वो परसेप्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका थॉट प्रोसेस होता है. तो यहाँ उसका थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब्ड होता है. एंड मोटर एबनॉर्मलिटीज. मोटर एबनॉर्मलिटीज का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मोटर स्किल्स. उसके अंदर इम्पेयरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. जैसे वो अपने बटन बंद नहीं कर सकता, वो पेंसिल उठाकर लिख नहीं सकता, अगर आप उसे बॉल देते हैं तो वो फेंक नहीं सकता, यानी उसके अंदर जो उसकी मोटर स्किल्स है वो भी अफेक्ट हो जाती है. अब देखो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये कंटिन्यूटी में रहता है. जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैनिया और डिप्रेशन समझाया था उसमें क्या था कि कुछ महीने तक प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद पर्सन नॉर्मल हो जाता है. लेकिन इस इलनेस में, इस डिसऑर्डर में पर्सन कंटिन्यूटी में ही बीमार रहता है. तो देखो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक तो हो जाती है लेकिन इसमें बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है और कंटिन्यूटी में इसके इलाज की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, पहला सिम्टम आता है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है साइकोमोटर. तो देखो पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है कि पर्सन की जो थॉट होती है वो एक्सेसिव हो जाती है, यानी एक नॉर्मल पर्सन जो सोचता है उससे ज्यादा एबनॉर्मल पर्सन सोचने लग जाता है. उसकी सोच में जो मेन सिम्टम होते हैं वो होते हैं डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन. देखो डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन ये मेन सिम्टम होते हैं इसके पॉजिटिव सिम्टम्स के. डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीव थॉट्स ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड एंड नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट्स. देखो डिल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन के मन में कुछ ऐसे विचार होते हैं, ऐसे बिलीफ होते हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं जिन्हें वो सच मानता है, लेकिन वास्तविकता में वो विचार गलत होते हैं. अगर उसे कोई रैशनली वे से समझाने की कोशिश करता है तब भी पर्सन मानता नहीं है, वो अपने विचारों पर, अपनी थॉट्स पर स्टिक रहता है. चाहे उसे कोई कितना ही समझा ले लेकिन वो अपनी थॉट्स को बदलने को तैयार नहीं होता. तो देखते हैं किस तरह की थॉट्स उसके दिमाग में आती हैं. तो सबसे पहली थॉट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. ये एक कॉमन डिल्यूजन है. इसमें क्या होता है कि पर्सन ये सोचने लग जाता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स मेरे खिलाफ हैं, वो मेरे खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी जासूसी करते हैं. तो इस तरह के विचार उसके मन में फिक्स हो जाते हैं और अगर उसे कोई समझाने की कोशिश करता है तो वो मानता नहीं है, वो अपने विचारों पर अडिग रहता है. तो इसमें क्या लिखेंगे आप, दे आर बींग प्लॉटेड अगेंस्ट. प्लॉटेड अगेंस्ट मतलब मेरे खिलाफ कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है. स्पाइड ऑन यानी कोई जासूसी कर रहा है. स्लैंडर्ड. स्लैंडर्ड का मतलब होता है कि मेरे पीछे कोई मेरी चुगली करके, मेरे बारे में गलत बोल के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. तो इस तरह का डिल्यूजन पर्सन के दिमाग में फिक्स हो जाता है और वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी थॉट्स डेवलप हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है.
दूसरा डिल्यूजन आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। देखो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि पर्सन न्यूट्रल चीजों को भी अपने से रिलेटेड मानता है। जैसे वो कहीं से जा रहा है, वहां दो आदमी बात कर रहे हैं, तो वो पता है क्या सोचता है, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अगर वो हंस रहे हैं तो सोचेगा कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो इस तरह का डिल्यूजन उसके मन में आ जाता है। तो इस तरह का वहम वो अपने मन में डेवलप कर लेता है। अगर कोई हंसता है तो उसे लगता है ये मुझे देख के हंस रहे हैं, कोई बात करता है तो लगता है मुझे देख के बातें कर रहे हैं। तो इस तरह का ये डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दे अटैच स्पेशल मीनिंग टू द एक्शन ऑफ अदर्स, यानी एक स्पेशल मीनिंग वो अटैच कर देता है दूसरों के एक्शंस को। तीसरा डिल्यूजन आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर में क्या होता है, स्पेशली एम्पावर्ड मानता है पर्सन अपने आप को। इसमें क्या होता है कि पर्सन की हाई सेल्फ एस्टीम होती है, अपने आप को वो बहुत महान समझता है। वो कहता है कि मैं अमर हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर है। दूसरा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत रखता है। जैसे वो कहेगा कि मेरे कांटेक्ट प्राइम मिनिस्टर से है, प्रेसिडेंट से है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैनिया डिसऑर्डर में समझाया था कि किस तरह से पर्सन अपने आप को एग्जजरेट करता है, ऐसे ही यहाँ भी वो पर्सन अपने आप को एग्जजरेट करके बताता है कि मेरे तो बहुत कॉन्टेक्ट है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ। तो ये सब क्या है, ये उसका डिल्यूजन है। वास्तव में उसकी कैपेसिटी के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ भ्रम में जीता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। नेक्स्ट डिल्यूजन इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देखो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, फीलिंग थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। जिस पर्सन को ये डिल्यूजन होता है वो सोचता है मेरी फीलिंग, मेरी थॉट्स, मेरे एक्शंस एक्सटर्नल फोर्सेस के कंट्रोल में है। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस करवा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक पपेट की तरह से हूँ, कोई बाहर की ऐसी ताकत है जो मेरे से ये सारे काम करवा रही है। तो इस तरह का डिल्यूजन उसे हो जाता है, तो वो भ्रम में जीना शुरू कर देता है। तो देखो ये चारों डिल्यूजन मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ हेल्यूसिनेशन क्या होता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन ओकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी इंसान को ऐसी चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती है जो एग्जिस्टेंस में ओकर ही नहीं होती, जिनका कोई एनवायरनमेंट में प्रेजेंस ही नहीं होता। यानी उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं होती, जिनकी कोई वास्तविकता होती ही नहीं है। अब देखो जो हेल्यूसिनेशन होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के सेंसेस पर। जितने सेंस ऑर्गन्स होंगे उतने ही हेल्यूसिनेशन होंगे। तो देखो सबसे पहले हम पहला हेल्यूसिनेशन देखते हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या होता है कि पर्सन को ऐसी आवाज सुनाई देती है जो एनवायरनमेंट में होती ही नहीं है। यानी उस आवाज की कोई वास्तविकता नहीं है, आप भी बैठे हैं और वो पर्सन भी बैठा है जिसको ये बीमारी है, दोनों एक कमरे में बैठे हैं। वो कह रहा है देखो म्यूजिक की आवाज आ रही है, आप कहते हैं नहीं कोई आवाज नहीं आ रही, पर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन इंसिस्ट करता है हियरिंग ऑफ साउंड एंड वॉइसेस दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। इस तरह की वॉइसेस, इस तरह की आवाजें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन को वो आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जो पर्सन अफेक्टेड है उसे इस तरह की आवाजें सुनाई देती है। नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन इज विजुअल हेल्यूसिनेशन। देखो विजुअल हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि पर्सन को ऐसी चीज दिखाई देती है जिसका एग्जिस्टेंस एनवायरनमेंट में होता ही नहीं है। उसको कोई आदमी दिखाई देने लग जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कोई शेप दिखाई देती है, कोई कलर दिखाई देता है, और वो पर्सन उस चीज पर इंसिस्ट करता है कि नहीं ये चीज प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसे सच मानता है। देखो जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो ये क्या था, ये एक विजुअल हेल्यूसिनेशन था। इसमें क्या होता है, विजन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट that are not actually present in the environment. Clear? Next is gustatory hallucination. देखो इसमें क्या होता है, taste of food or drinks
आप कोई चीज खा नहीं रहे लेकिन आपको उस चीज का टेस्ट महसूस हो रहा है। जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपको लग रहा है कि जैसे मैं आम खा रहा हूँ, आपके मुंह में ऐसा टेस्ट महसूस हो रहा है जैसे आप आम खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। इसमें ऐसी फीलिंग आती है जो चीज हमने खाई नहीं लेकिन उसकी हमें फीलिंग आती है। दूसरा, अगर हमें कोई चीज खिलाता है तो उस चीज की फीलिंग नहीं आएगी, उसके अपोजिट चीज के बारे में हम बोलेंगे। जैसे हमें कोई मिठाई खिला रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये चीज तो बहुत खट्टी है। तो ये क्या है? ये गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन है, यानी हम कोई चीज खा नहीं रहे हैं लेकिन हमें उसका टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या होता है? स्मेल ऑफ स्मोक और पॉइजन। जैसे पर्सन कहीं से जा रहा है, उसको ऐसी स्मेल आती है जैसे कुछ जल रहा है, उसे धुएं की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसे ऐसी स्मेल आती है जैसे पॉइजन की हो। तो इस तरह की दुर्गंध उसे आने लग जाती है जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं आती। नेक्स्ट इज टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। देखो ये रिलेटेड है स्किन से। इसमें क्या होता है? फीलिंग ऑफ प्रिकलिंग और बर्निंग ऑफ स्किन। देखो जो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन है ये स्किन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है जैसे उसकी स्किन पर कुछ चल रहा है, जैसे चीटी चल रही है, कोई कीड़ा चल रहा है, या फिर उसकी स्किन में ऐसी जलन सी मच जाती है कि उसकी स्किन जल रही है। तो ये होता है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। देखो इसमें क्या होता है? फीलिंग ऑफ स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड स्टमक। इस हेल्यूसिनेशन में ऐसे महसूस होता है जैसे स्टमक में स्नेक क्रॉलिंग कर रहे हो। देखो ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन है, ये सिर्फ इंसान का एक भ्रम होता है जिसको इस तरह का डिसऑर्डर होता है। होपफुली आपको पॉजिटिव सिम्टम्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।